गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है और वह 16 महाजनपद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। लेकिन हमें कैसे पता चला कि प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद थे, ये कौन सा ग्रंथ में लिखा गया है? तो इसका जवाब है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब आप ग्रंथ का अध्ययन कीजिएगा तो उन्हीं ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो लिखेंगे बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है और इन्हीं समय भारतीय इतिहास के 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। तो यह था आपके सवाल का जवाब। और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।